एक कैप्टन के रूप में है। जब उनकी भर्ती हुई थी तब वो सिर्फ एक फौजी थे और अभी उनका प्रमोशन हो गया तो वो एक कैप्टन के रूप में है। तो दर्शकों, इस प्रकार की ये जो बात बाबा हरभजन सिंह की है और जो चीन और भारत की गतिविधियों के बारे में बताते रहते हैं, तो मेरी एक सुझाव है मेरा आप सभी से कि इन दिनों भारत और चीन की जो परिस्थिति है उसके लिए यदि हम बाबा से कोई जानकारी मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी प्रकार की कल्पना ना कर सके ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दास्तां आपको सिर्फ बेल्जो टीवी पर मिलेगी। तो बेल्जो टीवी के लिए आप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन, और देखते रहिए ऐसे ही कहानियां।